सर जो इसकी स्पीड है ना, इसकी स्पीड 32 किलोमीटर हो गई है। पहले जो ट्रैक्टर थे हमारे उनकी स्पीड इससे कम थी, अब इसकी स्पीड जो है 32 किलोमीटर तक कर दी गई है। इस पे खासियत ये है कि इसका डीजल कंजम्पशन बहुत कम है। तो सर आपने ये रेड कलर क्यों चुना इसके लिए, ब्लू कलर से हटके ऐसा क्यों? तो बीच वाला सेगमेंट था वो सब ब्लू कलर के हैं। रेड कलर का ट्रैक्टर चाहिए, तो किसान भाइयों की पसंद के लिए हमने एक रेड ट्रैक्टर का लॉन्च किया है। किसान भाइयों आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया ट्रैक्टर स्वराज 733 अभी। तो ये अभी नारायण ट्रैक्टर एंड मोटर झांसी में शोरूम है भाइयों, शिवपुरी रोड पर भाइयों ये शोरूम बना हुआ है, बहुज नदी के पास में। तो इस ट्रैक्टर के बारे में सर से जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे शौकीन किसान भाई हैं, जो खरीदना चाहते हैं, जो ट्रैक्टर के इच्छुक हैं, लेने की सोच रहे हैं भाइयों, कौन सा ट्रैक्टर लें। तो आज 733 एपी के बारे में सर से रिव्यू करवाएंगे इस पूरे ट्रैक्टर का, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे सर से। काफ़ी बढ़िया ब्रांडिंग है भाइयों स्वराज की। तो सर से इसके फीचर की जानकारी पता करेंगे। हमारे जो टेरिटरी मैनेजर श्री दीक्षांत जी हैं, तो 733 के बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। ठीक है सर। सबसे पहले तो संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से हम लोग किसान परिवार से जुड़ेंगे और उनको हमारे नए प्रोडक्ट के बारे में उनको हम जानकारी। तो सबसे पहले तो आपका हम इस चैनल से आपको जितने भी किसान हमें देखेंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें चुना और हमारे प्रोडक्ट को चुना उसकी आपकी वीडियो डालने के लिए। तो मैं भी आपको एक गुहार करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान लोग जो भी देख रहे हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो आइए बढ़ते हैं प्रोडक्ट की ओर, अब हम आपको बताते हैं 733 के बारे में। तो सर इसका जैसे बात करें इसके हॉर्स पावर के बारे में, तो कितने हॉर्स पावर होगा ये? ये हमारा जो ट्रैक्टर है 35 हॉर्स पावर कैटेगरी में ट्रैक्टर है, 2592 सीसी का इंजन है इसके अंदर, और आज से 2008 के अंदर हमारे पास बहुत सारे हमारे जो किसान भाई है 733 उनके पास आज भी है। हाँ। वो पहले दो सिलेंडर में आता था। हाँ। 2008 के अंदर वो डिसकंटिन्यू हुआ, उसके बाद हमने इस साल जनवरी के अंदर इसको लॉन्च किया है दोबारा से तीन सिलेंडर के अंदर। 2592 सीसी का इंजन है, 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। अब उसके अंदर और डिटेल में जाते हैं, वाटर कूल्ड इंजन है, आगे फैन बेल्ट है, तीन पंप आप जैसे देख रहे हो। और इसका ये पंप की बात करें, पंप कौन सा? ये इनलाइन पंप है बोस का, बोस का इनलाइन पंप है ये। तो सर ये इसकी जैसे पीटीओ पावर की बात करें तो कितना हॉर्स पावर? पीटीओ, इसकी पीटीओ हॉर्स पावर 29 एचपी की है, और इसका जो टॉर्क है 134 न्यूटन मीटर का है, और बैकअप टॉर्क 22.5% का है, जो कि इस ट्रैक्टर की इस 35 एचपी की रेंज की कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट सीसी, सबसे ज्यादा सीसी, सबसे ज्यादा बैकअप टॉर्क, सबसे ज्यादा न्यूटन मीटर जो हमारा टॉर्क होता है 134। अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले, अन्य ट्रैक्टर के मुकाबले अगर मैं महिंद्रा 265 की बात करूं, तो महिंद्रा 265 के अंदर 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, और उसका 2048 सीसी का इंजन है, 30 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। तो हम ये 35 हॉर्स पावर में आपको 134 न्यूटन मीटर का टॉर्क देंगे, 22.5% का बैकअप टॉर्क देंगे। तो सर जैसे इसके गियरों की बात करें, तो इसके गियर किस साइड, मतलब सेंटर शिफ्ट गियरों में है? ये सेंटर शिफ्ट गियर में है, 8+2 लो हाई, लो हाई गियर में है, चार आपके लो में मिलेंगे और चार हाई में मिलेंगे। और इसका सर जैसे किसान खेत पर एक बार जाते हैं तो उन्हें डीजल बार बार डलवाना पड़ता है अन्य ट्रैक्टरों में, तो इसका ये डीजल की जो कैपेसिटी है कितने लीटर की है? इसके अंदर जो फ्यूल टैंक है हम 45 लीटर का फ्यूल टैंक दे रहे हैं, और इसका जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है इस रेंज में सबसे बेस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है। तो इसके आगे आप आइए, खुलेआम हम डेमो करेंगे, खुलेआम आपको सभी कंपटीशन को चैलेंज हमारा, इससे ज़्यादा अगर कोई मतलब हमारा ये तेल सबसे कम, मतलब उस कैटेगरी में सबसे कम तेल हमारा ये खाता है। मतलब जो किसान भाई खरीदने के इच्छुक है तो मतलब उनके मन में मतलब कोई संकोच ना होगी? बिल्कुल बिल्कुल, कोई संकोच ना हो, हमारा फ्री डेमो है, आप डीलरशिप पे आइए, हमारे हर डीलरशिप पे बुंदेलखंड में
हर डीलरशिप पे आपको ये ट्रैक्टर अवेलेबल है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि एक बार आइए चलाइए, उसके बाद आप प्रोडक्ट ले ना ले वो आपकी इच्छा। और सर इसकी सर जो इसकी स्पीड है ना, इसकी स्पीड 32 किलोमीटर हो गई है। पहले जो ट्रैक्टर थे हमारे उनकी स्पीड इससे कम थी, अब इसकी स्पीड जो है 32 किलोमीटर तक कर दी गई है। मतलब अब पहले से ज्यादा, हाँ पहले से ज्यादा इसकी स्पीड है। और ये या भाड़े में चलाएं या खेती में चलाएं, मतलब कोई से भी बिल्कुल चलाएं, बहुत अच्छा ब्रांड है ये 333 ब्रांड जो हमारा अभी लॉन्च हुआ है। हाँ। नया है। हाँ। और इस पे खासियत ये है कि इसका डीजल कंजम्पशन बहुत कम है, मतलब बहुत कम डीजल, बहुत कम डीजल कंजम्पशन है। कि आप जो है अगर भाड़ा करते हैं या जुताई करते हैं, कुछ भी करें, हॉलेज करें या आप खेती करें, वो बहुत कम डीजल कंजम्पशन है, बहुत कम खपत है इसकी। तो सर इसके जैसे लिफ्ट के बारे में बात करें, तो लिफ्ट अगर मैं इसकी लिफ्ट की बात करूं तो 1000 किलो की इसकी लिफ्ट है, जो लिफ्ट कैपेसिटी है 1000 किलो की है। प्लस इसमें आप देखोगे हाई लो मीडियम का हम ये देते हैं लिंकेज, अगर आपकी मिट्टी के अनुसार कल्टीवेटर चला रहे हो, संडे मंडे हॉलीडे नरम मिट्टी में चलाना है तो टॉप लिंक आपका ऊपर रहेगा, मीडियम में बीच में, हार्ड में नीचे। प्लस आप एक चीज जिसमें मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये चीज दिखाएंगे कस्टमर को, स्टेबलाइजर बार। हम इस 35 HP कैटेगरी के अंदर भी कस्टमर को स्टेबलाइजर बार दे रहे हैं लिंको में। अन्य आप कोई भी मॉडल का ट्रैक्टर ले लो, वहाँ आपको चैन सिस्टम मिलेगा। हाँ, मिलेगा। हम इसके अंदर आपको स्टेबलाइजर बार दे रहे हैं ताकि आप कोई भी इम्प्लीमेंट, कोई भी आप अगर लेके जा रहे हो तो आपका ट्रैक्टर बैलेंस रहे, आपका वो हिलेगा नहीं। तो भाइयों PTU पावर देख सकते हैं आप, आयल ब्रेक जोर बताओ। तो सर इसके जैसे ब्रेकों के बारे में बात करें तो ब्रेक किस प्रकार की हैं? अगर हम इसकी ब्रेक की बात करें तो ये ऑयल इमर्स्ड ब्रेक है, तेल में डूबे हुए ब्रेक है। अन्य जितने भी आपके ब्रांड के ट्रैक्टर हैं, दोबारा से आपको बार बार अन्य ब्रांड इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा अलग चीजें हैं। अन्य ब्रांड में आपको इसी में आपको ड्राई ब्रेक मिलेंगे, मतलब इसमें ज्यादा फीचर्स हैं, ज्यादा फीचर है। और सेम आपको कैटेगरी है, सेम कैटेगरी में आप इसमें जितने फीचर हैं किसी और ब्रांड में फीचर है ही नहीं। और सर इसके टायरों के बारे में बात करें, टायर कितने? टायर अभी फिलहाल हमने इसको 12-4 टायर में हमने इसको लॉन्च किया है। इन फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा प्लानिंग है इसको 13-6 में भी लाने के लिए, पावर शेयरिंग में लाने के लिए। हाँ। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में हम इसको पिछला टायर 12-4-28 में और अगला टायर 6-16 में ये उपलब्ध है। तो सर इसकी एक बार आवाज सुनवा दो आप। और सर एक बात और, इसका जो किसान सोचते हैं रखरखाव का खर्चा ज्यादा होता है स्वराज का, क्या सर ऐसी बात सही है या गलत है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों के मन में एक मिथ बना हुआ है स्वराज के बारे में कि तेल ज्यादा खाता है, मेंटेनेंस ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आज के टाइम पे जितने भी हमारे ब्रांड है, सबसे कम हमारा तेल खाता है और सबसे लो मेंटेनेंस और हाईएस्ट रीसेल वैल्यू इन इंडिया स्वराज की है। सर इसकी एक बार आवाज सुनवा दो। हाँ, बिल्कुल राशि दो। क्या शानदार आवाज है भाइयों, तो सर आपने ये रेड कलर क्यों चुना इसके लिए, ब्लू कलर से हटके ऐसा क्यों? ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे सुन के। एक्चुअली में हमारे जितने भी 35 HP से ऊपर के जितने भी ट्रैक्टर हैं सब हमारे नीले रंग में आते थे। एक हमारा 855 से ऊपर, 55 HP से ऊपर चले जाओगे तब हमारे ट्रैक्टर रेड कलर के हैं, और जो बीच वाला सेगमेंट था वो सब ब्लू कलर के हैं। तो हमने कस्टमर की डिमांड पे, किसानों की डिमांड पे, किसानों का एक हमारे पास डिमांड आई, हम सर्वे करते रहते हैं टाइम टू टाइम, एक हमें 35 HP की रेंज में भी हमें एक रेड कलर का ट्रैक्टर चाहिए। तो किसान भाइयों की पसंद के लिए हमने एक रेड ट्रैक्टर का लॉन्च किया है, इसीलिए इसको हमने रेड कलर में रखा है। तो ये बहुत बढ़िया बात है, जैसे किसानों को जब 8-10 लाख रुपए खर्च करती उसके बाद में रेड कलर देखना, ये 8-10 लाख रुपए तो जैसे 55 की बात कर रहे हो उसमें आ जाता है ये हमारा। हाँ। जो ट्रैक्टर तो मतलब उनकी सेगमेंट में ये ट्रैक्टर का कलर बढ़िया है, बहुत किसानों की पसंद का है ये। किसानों को हमने सर्वे किया तब हमें किसानों ने हमें हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, हमारे जितने भी पुराने कस्टमर है, ये प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले
हमने उनसे डिस्कशन किया कि किस कलर में लॉन्च किया जाए, तो उनसे बात करके जो हमें निकला तो रेड कलर की डिमांड आई थी, तो इसलिए हमने इसको रेड कलर में लिखा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने जानकारी किसानों को दी है।